कि हम दोनों साथ में सुना, पान तू खाएंगे। तो तू सुना, तू पान चबाता, हाँ मैंने तेरे जैसे का ना चबा के फेंक चबा रखी है। चबा के फेंक दिया। अरे अरे, मेरे जैसे को तूने चबा के फेंक दिया वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे भी तो थोड़ा चबा, मुझे भी थोड़ा चबा के फेंक मुझे एक्चुअली ना अभी मेरा मूड नहीं है किसी को चबाने का, मैं अभी बिना नहीं, चबाए रहना चाहती हूँ अकेले अपनी नहीं जिंदगी में। नहीं तो बेटा नहीं तेरे नहीं जैसे मैं बंदे चाहता मैंने हूँ। बड़े चबा चबा के फेंक रखे। और बता, अरे शेरनी, मैं चाहता हूँ कि तू मुझे लाते मारे, मैं तेरी लाते खाना चाहता हूँ। प्लीज मुझे अंदर ले लो तुम शेरनी। तुम जब मुझे अंदर लेगी तब तुम्हें पता चलेगा कि असली मजा क्या होता है जिंदगी का। जिंदगी का असली मजा, जिंदगी का असली, कोई कितना चीप डायलॉग बोल सकता है यार, कोई कितना चीप हरा किसी चश्मा पास पहन अभी के चीप कोई सारा ही कितना अरे चीप ये डायलॉग बोल अरे सकता है। कौन सा, कोई भी अरे जेन्युइन अरे डायलॉग चीप, नहीं है, सुन ये जेन्युइन जगह में सुनना रहता है, पर इसके पास जेन्युइन बेटा, डायलॉग सुन होगी। मेरी बात। अबे एक कौन सा मिनट एक मिनट, जेनमैन? जोया जोया लिसन लिसन, जेनमैन परसों अभी तीन जेनमैन 4 दिन पहले एक लाइव पे क्या बोला था, मैं इंडियन औरतों के साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज उनमें से ना भटूरे की बदबू आती है, लहसुन प्याज की बदबू आती है, बड़ी बेकार होती है इंडियन औरतें। आई लव अमेरिकन। भैया अमेरिकन तो 10 दिन तक कान भी नहीं धोती है, पता नहीं तेरे को, टिश्यू पेपर यूज करती है, पता नहीं तेरे को ये बात। अरे और जब टिश्यू अरे पेपर नहीं मैं, होता तो कोल्ड ड्रिंक गेरती है अपनी कान पे। हाँ, पता अरे नहीं ये बात मैं तेरे को, तुझे वहां टिश्यू पेपर यूज मुझे होता है, पानी यूज ही सुन नहीं होता। अरे पानी और टिश्यू पेपर की तू बात साइड में रख ना, अरे अभी इसका हम कहने दोनों का की बात मतलब चल ये है रही कि है तुम ना। टट्टी करोगे ना तो भैया तुम्हारे तू, सामने से अटली हाँ, वो होगी। जो जो धोती इसका भी कहने नहीं का है मतलब ये तुम है, उसकी, हाँ तुम उसकी तारीफ इसका करोगे, कहने का और हम मतलब जो ये है कि इंडियन है मैं, जो सुबह सुबह उठ के नहाते भी है, हाँ धोती भी तो है, अरे सारे काम करती है तो इंडियन वही, औरत, तुझे बदबू आती है उनसे, तुझे बदबू अरे आती शेरनी है उनसे। तूने, वही तो बोल रहा हूँ ना कि तूने मुझे वो ज्ञान दे दिया, उसके बाद मैं तेरे साइड अट्रैक्ट हुआ ना। वो तूने लास्ट लाइन में जो ज्ञान पेला तूने, ये सब मेरे वो सब तूने मुझे बताई, ये सब बारी सारी बातें, उसके बाद मैं तेरे साइड अट्रैक्ट हुआ ना। नहीं, अमेरिका में तुम रहते हो, मैं नहीं रहती, पर मेरे पास इंडिया में न्यूज आई है अरे कि यार दिल्ली अमेरिका में जो औरतें रहती है ना, जो फॉरनर औरतें होती है, नहाती नहीं है, वो करके अरे पट्टी भी उसकी, धोती नहीं है, टिश्यू अरे पेपर शेरनी यूज मेरी करती है, बात टिश्यू सुन, मेरी पेपर बात यूज सुन। करती है। अरे वो लोग टिश्यू यूज करते हैं कि वो लोग कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं, उन लोगों की बात साइड पे रखना तू। अभी अभी तो बात अपनी हम दोनों की चल रही है। बात करो ना, सीबीआई अपनी वाली अपनी, दीदी आई है, सीबीआई हाँ उन लोगों को कौन साइड आई पे है, रखना, उन लोगों को क्यों बीच में तू घुसे सीबीआई रही वाली। है। अच्छा तो हाँ, तो मैं अपनी साइड देख, मैं जब तू मेरी बेस्टी से बिगाड़ रहा है तो मनोड़ी सॉरी, मेरी मनोड़ी, तरफ अरे से तो कोई यस भाई नहीं। शेर, मेरी बात सुन। शेरनी के लिए शेर बनना पड़ेगा, तो शेर बन के दिखा दे बस। हाँ अरे यार से, अरे यार शेर शेरनी का बनने जुनून के, अपना। शेर बनने के लिए मुझे वहां पे शेरनी के साथ क्वारंटाइन होना पड़ेगा ना, तब जाके ऐसा मैं सीएम बन। सुना, ज्यादा ना हीरो मत बन बिना क्वारंटाइन के भी ना, अपना पहले पहले अरे मुझे तो शेरनी, हाँ अरे सुन, मुझे तो पहले शेरनी शेर पहले सुना, से पहले हीरो पसंद ही शेर नहीं है। बनेगा, पहले शेर बनेगा तभी तो 14 दिन बात के लिए सुन। क्वारंटीन होगा, तभी अरे तो नहीं 14 दिन के नहीं लिए क्वारंटीन अरे तू, होगा। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि मैं शेर नहीं बनूंगा, लेकिन तू तो शेर नहीं है ना मेरी जान, हाँ मैं तू तो हूं, शेर नहीं। मैं हाँ चाहे हाँ मुझे तो मैं, यहाँ कोई कुछ भी बोले, मैं गुड़गांव की शेरनी हूँ, और दूसरा कोई मेरी जैसी औरत पूरे गुड़गांव में बन बन भी नहीं नहीं सकती सकती, है। बन नहीं दिस इज हाँ तो मैं यही चैलेंज, दिस इज बोल, चैलेंज, और जो बन जाए अरे ना, मैं नहीं बन मेरा मुंह सकती, और उसका जूता, चैलेंज है ये, गुड़गांव में मेरी मैं जैसी तुझे पाकड़ औरत कोई बन जाए दोबारा, चैलेंज है ये। और बताओ तुम, लिखने को पॉजिटिव के कुछ भी लिखते रहते हैं नीचे, उससे मुझे फर्क घंटा नहीं दैट्स इट। पड़ता, जो मैंने अरे अपने, शेरनी मेरी बात तो सुन यार, तू कहाँ नीचे कमेंट्स में जा रही है यार। तू शेरनी है, मैं मानता हूँ तू शेरनी है, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट टाइम तुझे बोला था कि तेरे अंदर इतनी गर्मी है, मैं शेर नहीं हूँ, लेकिन तू तो मुझे पकड़े रखेगी ना। मैं छूटने की कोशिश करूंगा, तू ऐसे ऐसे मुझे पकड़ेगी, इसका लातम कहने का लाती मतलब है होगी, कि आप खींचम शेर खींची नहीं हो, होगी। आपके अंदर गर्मी है, ये शेर होता है इसके अंदर हाँ तो गर्मी नहीं मुझे, है, इसके अंदर हाँ इसके बस की हाँ नहीं है, ये हाँ कहने का मुझे वो मतलब है इसके गर्मी बस की चाहिए। नहीं थैंक्स, है, इसके बस की नहीं है, ये ढीला मुझे वो है, गर्मी चाहिए इसका मतलब तेरी, ये मुझे है, वो, समझ गए ना आप। मुझे क्योंकि ये ठंडी कंट्री में रहके रहके ना मैं ठंडा हो चुका हूँ शेरनी, तो प्लीज मुझे अपनी सुना गर्मी में, सुना मुझे अपनी सुना गर्मी दे दो प्लीज और प्लीज सुना, शेरनी। अरे हाँ सुना, बोलो। क्यों 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 बर्बाद होना चाह रहा है, क्यों बर्बाद होना चाह अरे रहा है, मुझे मुझे तहस नहस होना है शेरनी तेरे साथ, अरे सच क्यों में यार, बर्बाद होना चाह रहा है, जिंदगी जी कर ले दो मुझे। अपना। सुना, अभी और 2-4 साल पान बेच ले वहां पे अमेरिका में, क्यों बर्बाद होना अरे चाह रहा तुम, है। नहीं मैंने पान भी बहुत बेच लिए, मैंने यहाँ लोगों को पान भी बहुत खिला दिया, अब बहुत हो चुका।
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब मुझे कोई, अब जब से मैंने शेरनी तुझे देखा है, तेरी जो वीडियोस देखी है ना, तब से मैं पागल हो गया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तेरी गर्मी, कितनी गर्मी मुझे, कितनी औरतों का ये फेकू डायलॉग बोल चुका, तो फेकू डायलॉग, यू नो, फेकू डायलॉग। सुन, पूरे इंस्टाग्राम को पता है कि मैंने एक ही लड़की को प्रपोज किया था, उसको फैमिली का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद मैंने, उसने मुझे बोला कि भाई ये सब, मैंने बोला चलो भाई बात छोड़ो, तुझे भी पता है ये बात, ठीक है ना। आज के बाद ना तो मैंने किसी लड़की को डीएम्स किया है, ना तो किसी लड़की का मैंने डीएम्स का रिप्लाई किया है, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ मैंने तेरी वीडियो कर रात को रात भर देखी, ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है शेरनी, मेरी जान, मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे है ना, जो तेरे हेयर है ना, उसपे मेरा दिल आ गया है यार, जो तेरी पर्सनालिटी है। मेरा दिल तो किसी और के ऊपर है, मेरा दिल तो किसी और के ऊपर है, बता अब क्या करें। अरे तो उसके साथ भी रहना, अरे ट्राइंगल ने, तू उसके साथ भी रहे, यू नो, उसके साथ भी तू रहे, मेरे साथ भी रहे, क्योंकि तेरे में इतनी गर्मी है कि गर्मी को डिवाइड तो करना पड़ेगा ना बेटा। गर्मी तो इतने, तेरे जैसे 10 को ना छू के जला दूंगी, पास आने की जरूरत वही तो, तो जला दो, लाइव में जला दूंगी, लाइव में ही जला दूंगी, इतनी गर्मी है बेटा, जला दो। इंस्टाग्राम में ना, इंस्टाग्राम सुन, इंस्टाग्राम में ना शेरनी लाइव आए ना आए, हर जगह सिर्फ शेरनी के चर्चे होते हैं, हर जगह शेरनी के चर्चे होते हैं, ये उसकी गर्मी ही है जो हर जगह चर्चे होते हैं। यूट्यूबर अपना पैसा कमा रहे हैं, 20,000 पैसा कमा रहे हैं, ये गर्मी ही है शेरनी की। पेपर चल, उसको पहले पान बेच लेने, फिर कंटिन्यू। अरे सुन, पान बेच क्या, पहले सुन ना, पान बेच पहले जा, मैं वही, अरे यार तू मुझे सुन मेरी बात, मैं दीपक कलाल के ऑलमोस्ट लास्ट 4 ईयर से मैं कांटेक्ट में हूँ, तो तू पान बेच, तू ये है वो, ये बातें बहुत कॉमन हो चुकी है यार, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हम मुद्दे की बात ये करते हैं कि तेरी इतनी सारी बातें, अब तूने खुद ने बोला कि इंस्टाग्राम और यूट्यूबर, यू नो, तो वो सारी बातों को लेके मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ तुझसे कि यार प्लीज, अब बहुत हुआ, अब कब तक तू अकेली घूमेगी, तुझे भी जो सहारा चाहिए ना, अकेली नहीं है, सहारा है उसके पास। I have शेरनी मुझे सुन, शेरनी मुझे पता नहीं था कि तू सीमेल भी, तू सीमेल है शेरनी? शीमेल नहीं है, वो फीमेल है, शीमेल नहीं है, वो फीमेल है। लेकिन तब तुमने तो बोला कि उसको किसी के उसके पास ऑलरेडी सहारा है, तो सहारा है, सहारा का मतलब ये नहीं है कि वो शीमेल है, ठीक है। शेरनी तुम कहीं यार, तुम तो कितना बदनाम करोगे मुझे, अभी भी मुझे शेर ही पसंद है, मुझे शेर ही पसंद है, शेरनिया नहीं पसंद है, बकचोदी मत करो यहाँ पे। सहारा का मतलब मेरे पास मेरा बेटा है, सहारे की जरूरत नहीं, और जिसके पास पैसा होता ना, पैसा। अरे यार मैं बेटे की बात नहीं कर रहा हूँ यार, बेटे को क्यों बीच में ला रही हो। सहारा मतलब बंदे को एक सहारा जो होता है, सहारा मीन्स फिजिकल नीड्स, शेरनी समझती है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ रही हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन मत कर, और बता। हाँ हाँ, तो फिर मुझे भी जरूरत है, तुझे भी जरूरत है, और मेरी तेरी उम्र शायद सेम ही होगी, यू नो, तो चलना फिर अब ज्यादा यहाँ उम्र की बात पे मत आइयो, अब दोबारा उम्र पे मत आइयो दोबारा, ठीक है? क्यों मैं क्यों बताऊँ सोशल साइड में मेरी उम्र क्या है, क्यों बताऊँ? चलो ठीक है, उम्र की बात छोड़ो। हाँ, तुम लौंडे, सुन, तुम लौंडे होके 40 साल के होके तुम अपने आप को 36 के बताते हो यहाँ पे सोशल साइड में, और हम सारा उम्र कम बता रहे, सारी बुढ़िया हो रही है, उम्र कम बता रही है, हद होती है किसी बात की, आदमी होके छुपाते हो तुम लोग, अनमैरिड बताते हैं अपने बच्चे, अनमैरिड बताते हैं साला है, 40 साल के तुम हो रहे हो, 45 साल के हो रहे हो, तुम बताते हो 36 साल के लड़के प्रेजेंट करे कि हाँ हम मैरिड है। अरे यार लड़की आराम से भाग जाए। अरे शेरनी मेरी जान, बात उम्र की अब तूने बोला के मत करो, लेकिन मैं सिर्फ तुझे ये बताना चाहता था कि कहीं तुझे ऐसा ना लगे कि मैं तुझसे छोटा हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे तुझसे क्लियर करनी। छोटा तो ना तू है, ना था और ना दिखता है, पहली बात तो, ठीक है। हाँ तो फिर तुझे अगर मेरी एज जानना है ना, तो तेरे को डीएम में ना अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और बता, तू छोटा तो कहीं से भी नहीं, इस बात पे ना ज्यादा एटीट्यूड खाने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचो। अरे नहीं नहीं, सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो उम्र की बात को छोड़, अब जो भी है उम्र से अपना क्या लेना देना, अपना तो साइज साइज बड़ा होना चाहिए ना, उम्र में क्या रखा है,
साइज में रखा है जो कुछ रखा है वो, उम्र से क्या लेना देना है? बिल्कुल ठंडे हो गए हो, साइज कहाँ से बड़ा हो गया आपका? अरे साइज मेरा बड़ा है लेकिन अभी वो वर्किंग में नहीं है ना, ठंडा है मतलब, है ठंडा है मतलब, हाँ ठंडा है, लेकिन जब इसकी गर्मी मिलेगी तो वो वर्किंग में आएगा ना, इसीलिए मुझे शेरनी की गर्मी चाहिए। शेरनी प्लीज मुझे तुम्हारी गर्मी दे दो, थोड़ी ज्यादा नहीं तो थोड़ी दे दो मेरी जान, तो मेरी भी तुम्हें दुआएं लग जाएगी। शेरनी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। अच्छा क्या करना चाहिए मुझे? मिस्टर क्या नाम बताया था आपने? पनौड़ी? नहीं, तेरा नाम में, तेरा नाम क्या पता है? कमेंट में बताओ भाई, ये रिश्ता मंजूर है या नहीं है? अच्छे अच्छे कमेंट करना प्लीज, रिक्वेस्ट है सबसे। सबको ना मंजूर ही होगा, मंजूर तो किसी को भी नहीं होगा। कमेंट्स पता क्या आएगा? अरे यार आपकी शादी, सुनो आपकी शादी, मैं बताती हूं ना कमेंट्स क्या आएगा। कमेंट्स में नीचे आएगा, अरे गुड़गांव आप दोस्त हो या क्या हो यार? आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने जिंदगी के मजे ले रहे हो, तो अपने दोस्त के बारे में तो सोचो। तू जैसा ही लड़का क्यों ढूंढू मैं इनके लिए? तू जैसा ही क्यों ढूंढू? दुनिया में और लड़के मर गए हैं क्या? अरे लेकिन प्रपोज तो मैं कर रहा हूँ ना अभी लाइव पे, पसंद ही नहीं आया, रिजेक्ट है। रिजेक्ट मत करो लेकिन मुझे एक बार ट्राई, मुझे ट्रायल बेस पे ट्रायल तो करने दो। एक नहीं, ट्रायल नहीं होता यहाँ। कमेंट पढ़ो, कमेंट शादी से पहले मंजूर है, मंजूर नो, है देखो, देखो, नो 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 लिखा है, अभी नो लिखा है। अरे वोटिंग पे जाओ, नो लिखा है, ना ना नो लिखा है, देखो नीचे नो भी लिखा हो रहा है। मैसेज पढ़ो, नहीं नहीं मना कर रहे। अरे एक बात सुनो कहाँ से जोड़ी मिलती है? सब कहेंगे सफेद पतासे में काला मकोड़ा, सुना कहाँ से मिलती है जोड़ी? साथ चलते भी अच्छा नहीं लगेंगे, बताओ। और आप कह रहे हो रिश्ता रिश्ता? अरे मेरी जान, सफेद पत्ते में काला कोड़ा बोड़ा जो कुछ भी है, लेकिन जब रात को बेडरूम की लाइटें जब बंद होती है तो फिर ताला देखी, रात क्या पता देखी चलता है? इंडिया में स्वागत बना के टेस्ट कर लेंगे किसका छोटा किसका बड़ा है। जब लाइटें बंद होती है बेडरूम की लाइटें बंद होती है, सुना आपका नेट चला गया, नेट चला गया, दोबारा रिचार्ज करो। गरीब तू, इसी गरीब की वजह से मैं तुझे रिजेक्ट कर रही हूँ। अमेरिका का गरीब, तेरा नेट तो ढंग से काम नहीं करता है। सुन मेरी बात, सुन शेरनी, मैं बिजनेस मैन हूँ यार, मुझे 500 फोन आते रहते हैं बीच बीच में, तो भी मैं लाइव पे लगा रहता हूँ। और बात रही काले गोरे की, तो मेरी बात सुन ले कान खोल के शेरनी, कि जब बेडरूम की लाइट्स बंद होती है ना, तो ना तो पेट दिखाई देता है ना तो सिक्स पैक, सिर्फ दिखाई देती है तो बंदे को मंजिल, और वो मंजिल में बंदे को अंदर तक जाने का मन करता है। समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फिर ये कारा गोरा, मैं कुछ नहीं समझती काला गोरा। दूसरी बात सुना, पहले सुना, दूसरी बात ये कि ना वो जो तू बता रहा ना फालतू की बातें, दुनिया ना बाहर देखना चाहती है कि दोनों की जोड़ी कैसी लग रही है। तेरी मेरी जोड़ी कहीं से भी नहीं देखी, अंदर किसने देखा? अरे मेरी कोई नहीं देखता। अरे मुझे बाहर में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे सिर्फ अंदर में ही इंटरेस्ट है। अगर मुझे बाहर में इंटरेस्ट होता ठीक है ना, तो मैं यूरोप चला जाता। जोया नहीं भागेगी, जिसको जहाँ बकचोदी करना है कर लो, जोया नहीं भागेगी ठीक है। हाँ वो नहीं भागेगी। और बताओ तुझे, अगर मुझे बाहर की, मुझे बाहर की खूबसूरती चाहिए होती शेरनी, तो मैं तेरे पीछे क्यों आता? इधर देख के बात करी हो, बाहर की खूबसूरती शक्ल देखी? जवानी में तो सारी खूबसूरती तूने चूस ली, अब बुढ़ापे में आके तो शेरनी के पीछे पड़ गया। हाँ मतलब बाहर की खूबसूरती, मतलब बाहर की खूबसूरती है तो तुझे फिर मतलब तूने अपनी देखी है तूने शक्ल, तू कह रहा बाहर की खूबसूरती? अरे मैं शक्ल से चाहे छोटी हूँ, मेरी वीडियो देख जाके 20 साल की माँ का जो मैंने वो बना रखा ना खिताब अपना, कोई औरत दिखा दे वो खिताब अपना बना के, चाहे ड्रेसअप पे, चाहे साइज पे, चाहे फिगर पे, जाके दिखा दे 20 साल की बेटे की माँ का, ठीक है? जो मैंने मेंटेन किया हुआ है, फेस की बात कर रहा है मेरे से? हैं इंस्टाग्राम में कितनी सारी लड़की आती है हर रोज, कितनी सारी लड़कियां लाइव आती है, ये बात तू मानती है ना? मैंने तुझे क्यों सिलेक्ट किया?
मैंने तुझे पहले ही बोल दिया कि कल रात को मैंने तेरी सारी वीडियोस देखी है, मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ कि तूने मुझे तहस नहस कर दिया है, लेकिन वो चीज अब मैं रियलिटी में करना चाहता हूँ। बात को समझ शेरनी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग्स। हाय देव, नीचे मैसेज पढ़ शेरनी के लिए, क्या मैसेज आते हैं? अरे मैं कभी मैं कभी कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी इतनी पढ़नी आती है। ना पढ़ के तेरे दिमाग में है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। नहीं, मुझे हिंदी इतनी पढ़नी आती है, तेरे दिमाग में आएगा। सुन नीचे, हाँ तहस है, नीचे कमेंट्स पढ़, जब कमेंट्स पढ़ेगा दिमाग से ना शेरनी निकल जाएगी, तेरे दिमाग से शेरनी निकल जाएगी, क्योंकि शेरनी के लिए ऐसे आते हैं। अरे सुमित भाई, सुमित भाई चलो, सुमित भाई आ गए। सुमित भाई ये शेरनी को समझाओ यार कि उसको मेरे साथ क्वारंटाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मेरे साइड है सुमित, तो मेरे साइड है, ये ऑलरेडी कमिटेड है, इनका कहीं है वो किसी दिन कर देंगे लाइव में, इनका ऑलरेडी कमिटेड है रिश्ता, ये थोड़ा वो है। अरे मैं सुमित भाई पनोड़ी, मैं तेरा दिल तोड़ रही हूँ। हाँ कोई ऐसी बात नहीं, अरे डॉन को देखेगा ना तू फीका पड़ जाएगा उसके सामने, जिस दिन तू मेरे डॉन को देखेगा इस मैटर। अरे मैं मुझे, अरे यार मुझे डॉन को नहीं देखना है, मुझे तेरा देखना है, प्लीज समझ यार बात को, मैं तेरा दीवाना हो चुका हूँ अब, तू किसी से कमिटेड है उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि तू उसके साथ मत रह, लेकिन एटलीस्ट 15 दिन तक तो मुझे टाइम दे। मत रहे नहीं, अभी तो हम जस्ट दोस्ती में आए हैं, फिर हम रिलेशन में आएंगे, फिर मे भी हम शायद लाइफ में शादी भी करेंगे, और बता। हाँ तो उससे पहले मुझे 15 दिन का टाइम दो ना प्लीज। मैं कहाँ ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम उस बंदे को डेटिंग मत करो, उसको डेटिंग करो लेकिन साथ साथ में मेरा भी तो ख्याल रखो। You never know, Sherni. ऐसा है, मैं वन टाइम है ना एक ही का ध्यान रखती हूँ बेटा, मैं कोई फॉर्म क्वेरी नहीं हूँ। अरे तुम तो शेरनी हो, तुम्हें तो, अरे तुम तो शेरनी हो, लेकिन तुमने तो बहुत आग फूंक के पर पड़ी है। सुन असली शेर और शेरनी ने एक ही साथ होते हैं, गिदड़ कहते हैं ना कुत्ते बिल्लियों के साथ 10 सेकंड नहीं मारते, पहली बात। और मैं शेरनी हूँ तो शेर के साथ। यू डोंट वांट स्ट्रॉबेरी मैंगो? और क्या कर रहे हो आप सारे सब एक साथ? अरे इनका बर्थडे पार्टी का, बहुत ही कन्वर्सेशन अच्छा चल रहा है। बेटा शेरनी हाँ नहीं करेगी, शेरनी ऑलरेडी किसी के साथ रिश्ते में है अभी पिछले 2 महीने से। ये भैंचोद, ये पता नहीं है, इंस्टाग्राम जैसे कीड़ा में वो उसको ना इंटरेस्टेड है, और वो अभी भी इस टाइम लाइव पे बैठा देख भी रहा है, वो जो है ना उसकी आईडी देख ली है, वो देख भी रहा है, वो उसको इंस्टाग्राम से मतलब भी नहीं है, वो अपने काम धंधे में बहुत खुश है। और पर वही वाली बात है ना, मैं ऑलरेडी 2 महीने से उसके साथ हूँ, आने वाले टाइम में बहुत सारे आइसक्रीम फ्रीजर इज ब्रोक, वी डोंट हैव आइसक्रीम एट ऑल। साले यहाँ पर आके ये बकवास भी करते हैं, शादी की क्यों जाएगी, साले यहाँ पर आके बकवास भी करते हैं, यहाँ पर आके हमारा गू भी चाटते हैं नीचे कमेंट ऑफ कर दिए। अरे चाटने देना, सुन जोया चाटने दे, वी आर सेलिब्रिटी वाइफ। जोया तुम सुनो, शेरनी जी कह रही थी तुम दोनों की बात करनी है। जोया मैं तुमको एक चीज बोलना चाहूंगा कि कल तुम लाइव में आई थी और तुम जो सॉन्ग पे डांस कर रही थी ना, रोस्ट करना, रोस्ट कर दो, पनोड़ी बीच में बैठा है कोई दिक्कत नहीं है, रोस्ट करो इन्हें एक तरफ से। अरे यार तरफ से मैं दबाऊंगी। सुनो ना जोया, मैं एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि कल तुम लाइव पे आई थी और वो कोई सॉन्ग पे आप डांस कर रही थी, उसमें तुम्हारे मम्मी जो इतने अच्छे से जंप हो रहे थे, वो मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। मैंने तो कभी तेरे लंड के बारे में नहीं बोला, इतना छोटा है तूने देखा हुआ है, तो तूने देखा हुआ है, तूने देखा था? अरे कल तेरे लंड नहीं देखा तूने? जब मेरे मोमे देखे थे मैंने भी तेरे लंड नहीं देखा, और लेडीज के मोमे होते हैं, जेंट्स किसने बोले मोमे होते हैं? तेरे हैं मोमे? तेरे हैं लेडीज के ही होते हैं, काइंड फॉर यू इन्फॉर्मेशन, लेडीज के पास ही होता है ये सब, जो पी के बड़ा हुआ है उसी मोमो को। अपनी माँ के मोमो पी के बड़ा हुआ है, इसलिए बोल रही अपने बाप का लंड चूस के नहीं बड़ा हुआ तू।
हाँ, शायद तूने गलती से माँ के मम्मी की जगह बाप के लंड में मुंह लगा लिया होगा, इसलिए तू ऐसा है। परोने गया तू, बेटा गया तूने, कलर पंगा ले लिया, गया तू। एक नंबर जो है अम्मत बोलियो, एक नंबर जवाब था जो है का, अम्मत छेड़ियो इसको, ये जो है ना शेरनी नहीं है, चुपचाप शर्मा के साइड हो जाएगी, इसे बहुत तगड़ा जवाब देना आता है सबको, ठीक है भाई। इसलिए मैंने अपने लाइफ लाइन, कहते ना आपके पास एक लाइफ लाइन बचा हुआ, बुलाइए सीट पे, अमिताभ बच्चन का ऑर्डर था तो मैंने जोया। हाँ, अरे मैं वापिस ज्वाइन होता हूँ यहाँ पे, प्रॉब्लम करना वो थोड़ा जो वो गूगल में सर्च मार के आएगा। खड़े हो जाओ, क्या हो गया लाइव में, क्या